हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने गंगा नदी का अपवाह तंत्र आपको पढ़ाया था, उसी को आज हम आगे लेके चलते हैं। इसमें आज हम गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले यमुना नदी आती है। जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बोर्ड पे दिखता हूँ मैं, यमुना नदी, ठीक है। यमुना, अब देखो इसका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। देखो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से, ठीक है। ये क्या है, एक ग्लेशियर है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। स्थित कहाँ, ये बंदरपुंछ श्रेणी में, बंदरपुंछ श्रेणी है, पर्वतमाला है, वहां ये स्थित है, ठीक है। और देखो ये यूके है, उत्तराखंड में है, यूके है, उत्तराखंड है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम किंगडम नहीं है ये, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तराखंड में ये यमुनोत्री हिमनद से या ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बंदरपुंछ श्रेणी में स्थित है। उसके बाद देखो इसकी लंबाई देखते हैं अपने, यमुना नदी की लंबाई कितनी है। लंबाई है इसकी 1370 किलोमीटर, ठीक है। 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई के पश्चात इसका अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसका अपवाह क्षेत्रफल कितना है, इसका है 359,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, यमुना नदी का। इसके आगे अपने देखते हैं, ये जो नदी है देखो हरियाणा निकलती, तो ये यहाँ से है उत्तराखंड से, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। अब जैसे कि ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, तो यमुना गंगा नदी में कहाँ जाके मिलेगी। यमुना नदी गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, ठीक है। तो यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज में, ठीक है। पहले नाम इसका था इलाहाबाद, यहाँ यह गंगा में मिल जाती है, ठीक है, यूपी में। एक देखो प्रयागराज की ये विशेषता है, यहाँ देखो तीन नदियों का संगम होता है, ठीक है। एक तो गंगा हो गई, एक यमुना, एक तीसरी हो गई सरस्वती। इन तीन नदियों का जो संगम है वो प्रयागराज में होता है। सरस्वती जो नदी है वो अब विलुप्त हो गई है। इसकी जानकारी हमें जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उनसे जो चित्र लिए गए हैं उनसे पता चलता है। पृथ्वी के भूगर्भ में इस नदी की धाराएं सैटेलाइट से देखी गई है। तो इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज में।
ये इस तरीके से नदियां मिलती हैं। उसके अलावा इसमें देखते हैं, देखो जो यमुना नदी है उस पर आगरा और मथुरा, ये दोनों ही यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर ये स्थित है, आगरा और मथुरा। आगरा देखो, आगरा में क्या है, ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल जो कि यमुना के तट पर है। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। तो आगरा और मथुरा यमुना नदी के तट पर है, और जो ताजमहल है वो भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब आगे चलते हैं, इसमें मिटा देते हैं। अब यमुना की देखो, यमुना नदी में भी इसकी भी एक सहायक नदी है, देखो चंबल। चंबल है यमुना की सहायक, चंबल नदी ये सहायक इसकी है, यमुना की। तो चंबल नदी देखो, ये निकलती है जनापाव पहाड़ी से, जनापाव की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है ये? एमपी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। ठीक है, चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से। तो उसके बाद ये देखो यमुना में कहाँ मिलती है, तो ये यमुना में मिलती है इटावा में। इटावा है यूपी में। ठीक है, तो चंबल और यमुना मिलती है इटावा के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इटावा में एक और नदी मिलेगी, उसका नाम है कालीसिंध। कालीसिंध नदी है, वो भी यही मिलती है। ठीक है, उसके अलावा एक और नदी है पौंस नदी, पौंस नदी। ये क्या करती है पौंस नदी, उत्तर से यमुना में मिलती है, उत्तर दिशा से आती है और यमुना में मिलती है टोंस नदी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगली नदी को, हमीरपुर के निकट, हमीरपुर के निकट। इसमें मिलती है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। उसके बाद देखो इसमें इलाहाबाद के निकट, फिर है इलाहाबाद के निकट, के नदी भी इसमें आके मिलती है। ठीक है, के नदी भी यमुना में मिलती है। तो चंबल, कालीसिंध, बेतवा और के नदियां, ये जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके देखो अब आगे, इसमें यमुना जो नदी है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। अब प्रदूषण का क्या कारण है? जो कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जो रसायन है, उसके द्वारा यमुना नदी प्रदूषित हो गई है। ठीक है, इस कारण इसको देखो मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी। तो यमुना को क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं और प्रदूषित नदी भी कहते हैं इसे। यह था यमुना नदी का बारे में। ठीक है, अब अगली नदी लेते हैं सोन नदी। यमुना हो गई है, अब अपने लेते हैं सोन नदी। अब जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सोन नदी, सोन नदी।
उद्गम नदी का, देखो इसका उद्गम है अमर कंटक की पहाड़िया, कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सोन नदी का उद्गम एमपी में होता है अमरकंटक की पहाड़ियों में। अब ये जो नदी देखो बिहार में, ये जो नदी है ये बिहार में सोनपुर जगह पर गंगा में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, कहाँ? सोनपुर में। अब देखो, अब सोनपुर की क्या विशेषता है? अब जो सोनपुर जो जगह है, जो जिला है बिहार का, यह एशिया का, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है, जहाँ पर पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। उसी तरीके से जैसे सोनपुर की तरह राजस्थान में भी एक मेला लगता है जिसे पशु मेला कहते हैं, वो लगता है अपने पुष्कर अजमेर में, वहाँ भी पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, पुष्कर राजस्थान में भी। उसके बाद देखो जो सोन नदी है इसमें क्या है, सोन नदी में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के निक्षेप। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया जो नदियां होती है वो पहाड़ों पठारों से निकलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है नदियां, नदियाँ पहाड़ों पठारों का अपरदन करती है, उनको घर्षण करती है, ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है, जो खनिज वगैरह होते हैं वो भी नदी के साथ बह कर आ जाते हैं। उसी तरीके से सोन नदी भी क्या करती है, सोने का निक्षेप करती है, यानी सोना अपने साथ बहा कर ये लाती है सोन नदी। अब सोन नदी पे क्या है, रिहंद नामक स्थान पर, रिहंद यहाँ पर किस पे क्या है, एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध कहते हैं उसे, ठीक है, रिहंद बांध बना हुआ है, रिहंद डैम है, ठीक है, इसमें क्या है एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, ठीक, यह जलाशय जो रिहंद बांध बनाया गया है एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध बनाया गया है, उस बांध के पास गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी बनाया गया है। तो उसके बाद अपने लेते हैं राम गंगा नदी, थर्ड है, छोटी नदी है राम गंगा नदी, इसका उद्गम है नैनीताल के निकट से, ठीक है, और ये कन्नौज में गंगा में मिलती है कन्नौज नामक स्थान पर। कन्नौज कहाँ है, यूपी में, और देखो कन्नौज देखो फेमस है इत्र के लिए, इत्र या सेंट, ठीक है, पूरे भारत में फेमस है कन्नौज इत्र के लिए, ठीक है। चलो एक इतिहास की जानकारी भी दे देता हूँ आपको, इत्र का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ था, ठीक है, जहांगीर की जो पत्नी थी, बेगम थी नूरजहां,
सबसे पहले उसने इत्र बनाया था, ठीक है, जो गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था। तो इत्र का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ है और नूरजहां द्वारा किया गया था, ठीक है। भूगोल के साथ इतिहास की भी जानकारी मिल रही है आपको। अब देखो अगली नदी देखते हैं अपनी, घाघरा नदी। घाघरा नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं, घाघरा नदी है ये। देखो इसका उद्गम देखो कहां से हो रहा है, उद्गम देखो इसका जो उद्गम है देखो वो तिब्बत से हो रहा है, तिब्बत, ठीक है। उद्गम इसका तिब्बत में होता है और ये नेपाल के रास्ते भारत में आती है, ठीक है। तो इस नदी को नेपाल में कर्णाली कहते हैं, कर्णाली, ठीक है। नेपाल में क्या कहते हैं, कर्णाली कहते हैं घाघरा नदी को, ठीक है। अब ये नदी क्या करती है, अवध के पास छपरा नामक स्थान पर, छपरा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है, ठीक है। गंगा नदी में मिल जाती है, कौन सी, घाघरा नदी, ठीक है। तो राम गंगा हो गई, घाघरा हो गई, देखो उसके बाद अपने रहते हैं शारदा नदी, उसके बाद है शारदा नदी। तो शारदा नदी करेंगे अब अपने, ये भी छोटी नदी है मगर महत्वपूर्ण है। शारदा नदी, अब देखो इसका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो उद्गम है देखो कहां से होता है उद्गम, ठीक है। इसका उद्गम होता है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में, ये नेपाल से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नदी नेपाल में से, नेपाल में इसे काली नदी के नाम से जानते हैं, काली नदी, ठीक है। शारदा नदी को नेपाल में काली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो शारदा नदी है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बीच बहती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नदी बनाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बीच में बहती है, पीलीभीत में से, ठीक है, नेपाल और पीलीभीत के बीच में से ये नदी बहती है और भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, ठीक है, यस। उसके बाद देखो अपने नेक्स्ट नदी लेते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी का बताइए मैंने आपको, इसे क्या कहते हैं, बिहार का सो कहते हैं, कोसी नदी, ठीक है। उद्गम इसका देखो, इसका उद्गम देखो कहां से होता है, इसका उद्गम होता है नेपाल से, इसका जो उद्गम है वो, सॉरी एक मिनट, ये तो नेपाल में तो बहती है, उद्गम है इसका तिब्बत से, उद्गम है इसका तिब्बत से, ठीक है।
अब देखो नेपाल के द्वारा ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इस नदी को कहते हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी, सप्तकोशी कहते हैं। अब जो सप्तकोशी क्यों कहते हैं इसको, इसमें क्या है, सात नदियां या धाराओं के द्वारा कोसी नदी का निर्माण होता है, इसलिए नेपाल में इसको सप्तकोशी कहते हैं। सप्त यानी सात, नाम इसका कोसी है, तो सप्तकोशी इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सप्तकोशी, एक तो इसको कहते हैं बिहार का शोक बताया था आपको, बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहते हैं। अब देखो कोसी नदी क्या है, जब जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है, तो पूर्वी भारत में बिहार है, ये जो गंगा का मैदान है, यहाँ अक्सर बाढ़ आती है मानसून के समय, क्योंकि बरसात वहाँ बहुत अधिक होती है, ठीक है, गर्मी का समय रहता है, और ग्लेशियर के द्वारा भी, मतलब ग्लेशियर जब पिघलते हैं पानी की मात्रा खूब होती है नदियों के अंदर, ठीक है। तो जो कोसी नदी क्या करती है, जब बहती है तो ये अपने साथ अवसाद बहुत लाती है, ये विश्व की सबसे ज्यादा अवसाद लाने वाली नदियों में से एक नदी है कोसी नदी। अब नदियों के साथ जब अवसाद आते हैं तो क्या करते हैं, नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, ठीक है। अब देखो ये मान लो कोई नदी है, ठीक है, अब नदी ये बह रही है, ठीक है, यह नदी बह रही है। अब यहां जैसे अवसाद है, अवसाद मैंने आपको क्या रखा है, क्या होते हैं अवसाद, कंकड़ पत्थर है, बालू मिट्टी है, रेत है, यह वगैरह अवसाद है। ये अवसाद जब आगे बीच में नदी के, तो पानी क्या अवरोध पैदा हो जाता है, तो पानी क्या फिर जो प्रवाह मार्ग है इसका, ठीक है, उधर से नहीं निकलता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है पानी। तो जल क्या है, फिर जहां मानव बस्ती होती है वहां प्रवेश कर जाता है, जिससे बाढ़ आती है, ठीक है। बाढ़ आती है तो जल और धन दोनों की हानि होती है, ठीक है, इसलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। कारण क्या है, अवसाद सबसे अधिक लाती है ये नदी, ठीक है, कोसी नदी। उसके बाद देखो अपने अंतिम नदी है ये दामोदर नदी, ये देखते हैं, दामोदर है, दामोदर नदी उद्गम है इसका, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, उद्गम छोटा नागपुर का पठार, यहां से इसका उद्गम होता है दामोदर नदी का, ठीक। अब दामोदर नदी क्या करती है, देखो यह हुगली नदी की सहायक है, हुगली, हुगली की सहायक है, सहायक नदी। अब हुगली का मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहती है, कल बताया था, ठीक है, फरका बांध इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस नदी के तट पे क्या है, इस नदी के तट पर कलकत्ता, जिसको वर्तमान में कोलकाता कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता और एक हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, यहां पर इसके हुगली नदी के तट पर बसे हुए हैं कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। देखो कलकत्ता को पूर्व का लंदन कहते हैं, पूर्व का लंदन कहते हैं इसको, कलकत्ता को, ठीक है। एक देखो इतिहास की एक जानकारी दे देता हूं, 1911 तक यह भारत की राजधानी थी कलकत्ता, ठीक है, 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी भारत की,
उससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब देखो हुगली की सहायक हो गई। ठीक है, अब इसे क्या है, इसको भी क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं इस नदी को भी, बंगाल का शोक। ठीक, सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, इस नदी के द्वारा क्या है, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो जन और धन की हानि होती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। चलो एक और जानकारी देता हूं, देखो एक्स्ट्रा है ये। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? ठीक है, वो असम में आती है। देखो जैसे वर्तमान में जब आप न्यूज़ चैनल अगर अभी देखते हो तो आप देखोगे पूरी भारत में और गंगा के मैदान में काफ़ी जगहों पर बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ आती है वो असम राज्य में आती है। ठीक है, अब देखो एक जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी में क्या है नाम, दामोदर घाटी है। ठीक है, तो दामोदर घाटी को रूर घाटी कहते हैं, रूर घाटी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर के पठार का, छोटा नागपुर का पठार, इसका मैंने बताया था, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब देखो छोटा नागपुर के पठार को तो कहते हैं रूर प्रदेश, दामोदर घाटी को कहते हैं रूर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी क्यों फेमस है, कोयले के लिए, कोयला बहुत ही ज्यादा यहाँ कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, कोयले के जो निक्षेप है वो बहुत अधिक है यहाँ। ठीक है, तो ये जो रूर प्रदेश है वो कहाँ है, जर्मनी में, रूर प्रदेश। ठीक है, तो जर्मनी में जो रूर प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे भी बहुत अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर का प्रदेश और रूर की घाटी दामोदर को कहते हैं। दामोदर नदी में देखो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो दामोदर नदी है ये देखो स्वतंत्र भारत की, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ये तो इस पे क्या है, बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना, जल परियोजना ठीक है बनाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, यानी इस पे एक बांध बनाया था बहुउद्देशीय के लिए। ठीक है, उस बांध को देखकर नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है, ये जो बांध था, जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, दामोदर नदी जल परियोजना, इसको नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है, अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है, देखो इससे मतलब बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य है। एक तो देखो बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए जल, विद्युत उत्पादन, ठीक है, उसके अलावा मछली पालन, इसी तरीके से कई तरह के उपयोग या काम में इसे लिए जाते हैं। ठीक है, इस देश से बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं।
अपना गंगा नदी का अपवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है। कल अपने लेंगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हो। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।